तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इज इट क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है बच्चों ब्राउनिंग वर्जन के क्वेश्चंस के ऊपर, है ना? आज की क्लास हमारी होने वाली है ब्राउनिंग वर्जन के क्वेश्चंस के ऊपर, एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस क्लास. बच्चों एक बार जल्दी से मुझे बता दो अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो, ठीक है? और ब्राउनिंग वर्जन के हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? हम वन मार्कर्स करने वाले हैं बच्चों. क्या करने वाले हैं? ब्राउनिंग वर्जन के हम वन मार्कर्स करने वाले हैं. और वन मार्कर से पहले बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको समझेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है? वन मार्कर्स की जगह बच्चों आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो वेरी गुड. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल को बच्चों ज्वाइन कर लो. जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे बच्चों आप लोगों को मिलती है क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स, और वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और रही बात टाइमिंग्स की, तो टाइमिंग्स आप लोगों को ध्यान जरूर रखने हैं कि मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स क्या हैं. जब तक आप लोगों को टाइमिंग्स पता नहीं चलेंगे, आप टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर आपको टाइमिंग सारे के सारे पता चल जाए, ठीक है? अंशिका, नीरज, निशा, जो भी बच्चे हैं सबको टाइमिंग्स पता चल जाए. देखो यूट्यूब पे मेरी 11th क्लास का टाइमिंग क्या है? ट्यूजडे, थर्सडे और फ्राइडे रात को 11 बजे. और प्लस पे मेरी क्लास का टाइमिंग क्या है, सॉरी स्पेशल पे मेरी क्लास का टाइमिंग क्या है? मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे रात को 11 बजे. तो ये दोनों क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को ज्वाइन जरूर करनी है. ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है हमारी, क्लास 30 से 40 मिनट्स की होती है. तो जो भी बच्चे इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी हेल्प्ड, ठीक है? दैट्स ग्रेट संस्कार, मोस्ट दैट्स रियली ग्रेट, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? बेटा अभी तो क्लास ये शुरू हुई है, पहले इसको तो अटेंड कर लो. अब जैसे आज थर्सडे है, तो आज रात को 11 बजे वाली क्लास हो रही है यूट्यूब पे, अन अकेडमी क्लास 11th एंड 12th चैनल पे. इसी तरीके से कल फ्राइडे है, तो कल फ्राइडे को भी 11 बजे जो क्लास होगी वो यहीं पे होगी. कितनी सी बात है, समझ में आई बात? चलो ग्रेट. तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आज की क्लास के अंदर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम समझने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, दैट इज ब्राउनिंग वर्जन, ठीक है? ग्रेट बच्चों, जिस बच्चे को भी पता है कि इस चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो एक बार मुझे जल्दी से चैट स्क्रीन पे बताए कि हाँ सर, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा मायने रखते हैं. बताओ 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 बताओ, किसको बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में? ब्राउनिंग वर्जन के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं? लेट मी नो. Which are the most important questions in the chapter Browning version? बिल्कुल special class प्ली होती है. All the best for your exam, श्रद्धा. देखो बच्चों, Browning version chapter के अंदर कौन से questions important हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों पर ध्यान और देंगे. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. जस्ट एक मिनट बच्चों.
चलो आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ब्रॉनिंग वर्जन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, तो वो क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज टैपलो वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। जो टैपलो था वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट क्यों कर रहा था? व्हाई वॉज टैपलो वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मतलब जो टैपलो था वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट क्यों कर रहा था? कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे, जल्दी बताओ। सर कैन यू स्केड्यूल अ सेशन फॉर आस्क मी एनीथिंग एट 10 PM व्हेन एवर यू आर फ्री। आई विल डू दैट इफ इट इज पॉसिबल संस्कार, बट मैंने इस महीने के सारे जो सेशंस है ना वो ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिए हैं सारे टॉपिक्स के साथ। बच्चों अगर टैपलो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा था तो उसका रीजन ये था क्योंकि क्रॉकर हैरिस ने उसे पनिश किया था, क्रॉकर हैरिस ने उसे पनिश किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? टैपलो वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉर एक्स्ट्रा वर्क। Since he had missed school one day when he was not well, तो टैपलो, वेरी गुड, बिकॉज क्रॉकर हैरिस हैज टोल्ड हिम टू कम आफ्टर द स्कूल फॉर डूइंग हिज पेंडिंग वर्क। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन रीजन जो था वो था कि क्रॉकर हैरिस उसे पनिश करते हैं क्योंकि उसने एक डे मिस किया था स्कूल का, ही हैड टेकन एन ऑफ ना, इसकी वजह से क्रॉकर हैरिस ने उसे पनिश किया था। हालांकि टैपलो का ये मानना था, हाय सृष्टि, हालांकि टैपलो का ये मानना था कि वो इसलिए नहीं आया था बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान भी था। यही रीजन था जिसकी वजह से वो परेशान भी था, है ना? समझ आई बात? क्लियर? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है दैट इज बेसिकली ड्रॉ अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अगर हम मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात करते हैं तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक कैसे इंसान है? अगर हम उनके कैरेक्टर की बात करें तो वो कैसे इंसान है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज? जल्दी से बताइए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस? मिस्टर क्रॉकर हैरिस किस तरीके के इंसान है? बताओ 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 बताओ, कौन बताएगा? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो चैप्टर के अंदर नहीं है। उनके बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सारी की सारी टैपलो के द्वारा बताई गई हैं और टैपलो ने खुद ही बताई है ना? लेकिन जो भी हमने टैपलो से क्रॉकर हैरिस के बारे में सुना है उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि क्रॉकर हैरिस किस तरीके का इंसान है? कपिल ने कहा ऑर्थोडॉक्स, हर्ष ने कहा अनप्रिडिक्टेबल है, तनिष पूछ रहे हैं सर कौन सा चैप्टर है बेटा, ब्रॉनिंग वर्जन है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, ठीक है। और
बताओ बताओ, और कौन बताएगा? ग्रेट, ही इज स्ट्रिक्ट एंड फॉलोज द रूल्स। मिस्टर क्रॉकर हैरिस वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर बट नॉट अ सैडिस्ट, ही वॉज अ मिडिल एज टीचर। ठीक है, वेरी गुड। और ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। नाइस, और कोई? और बताओ बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रेट। तो बच्चों यहां पे अगर मैं आंसर लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पे आंसर लिखना चाहूं तो व्हाट कैन बी द आंसर? बेसिकली हम यहां पे कह सकते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ मिडिल एज्ड, इज अ मिडिल एज्ड सीनियर टीचर बेटा। चैप्टर है ब्राउनिंग वर्जन, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, वेरी गुड। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ मिडिल एज सीनियर टीचर। इन द सेम स्कूल वेयर फ्रैंक टीचर्स, जहां पे कौन टीच करता है? फ्रैंक टीच करता है। ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन विद अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, विद अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। उनके क्या हैं? बहुत सारे सिद्धांत हैं। He follows all the rules and regulations. In the school, जैसे कि वो लास्ट डे जो है तभी रिजल्ट को अनाउंस करते हैं, है ना? और इसके अलावा क्या बोला गया बच्चों उनके बारे में? मोर ओवर ही इज नॉट अ सैडिस्ट, कि वो सैडिस्ट नहीं है। हु लव्स टू गिव पेन टू द स्टूडेंट्स, मतलब वो एक ऐसे इंसान नहीं है जिसको अपने स्टूडेंट्स को दुख दर्द देने में मजा आता हो। ठीक है, और ये ताना बेसिकली किसने कसा था? कोई दिक्कत नहीं तनिष्क, वेरी गुड। ये ताना टैपलो ने कसा था किसके ऊपर? फ्रैंक के ऊपर, कि वो एक सैडिस्ट नहीं है। जैसे कुछ टीचर्स हैं स्कूल के अंदर, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक सैडिस्ट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड कुशांग। ही डजंट वांट स्टूडेंट्स टू बटर हिम, वेरी गुड, नाइस। बेटा सैडिस्ट एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसको किसी दूसरे को दुख देने में मजा आता है, उसको सैडिस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन है आप लोगों का।
पहला क्वेश्चन हो गया आपका व्हाई वाज स्टैप्लो वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर-हैरिस। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर क्रोकर-हैरिस। अब एक तीसरा क्वेश्चन आता है दैट इज ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ टैपलो। अगर हम टैपलो की बात करते हैं तो टैपलो का कैरेक्टर स्केच कैसा है, टैपलो का जो कैरेक्टर स्केच है वो कैसा है। ही टीचर्स, बेटा ही टीचर नहीं आएगा, ही टीचर्स लैटिन टू स्टूडेंट्स। ठीक है सर, मेंटी कब लोगे? अभी फिलहाल के लिए बच्चों 11th क्लास की मेंटी नहीं हो रही है एमसीक्यू बेस्ड, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव आने वाला है, तो मेरा जो भी फोकस है वो इस चीज पे है कि आप लोगों की आंसर राइटिंग ज्यादा से ज्यादा कराई जा सके। ठीक है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट आई बिलीव। वेरी गुड जुकी कवर्स, ग्रेट, बिल्कुल सही कहा। आप लोगों के आंसर जो हैं मैं ले लेता हूं यहाँ पे, डोंट वरी। टैपलो वॉज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय, बिल्कुल सही कहा, ग्रेट। वेरी गुड कुशांग, दैट्स ग्रेट। चलो बच्चों मैं आप लोगों को आंसर लिखवाता हूं इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे टैपलो की। तो टैपलो वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, टैपलो वॉज 16 years old who was studying in the lower fifth grade. Taplo had a desire, yeah, wish to choose science as a subject. He loves to play golf. He loves to play golf. He was straightforward about his opinion towards Mr. Crocker-Harris. वेरी गुड सृष्टि, सर बट 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव आते थे पहले, बट अब 10 मार्क्स के आएंगे, बट हमें प्रैक्टिस तो करनी है ना बेटा। देखो प्रैक्टिस करने के लिए हम जरूर करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, बट राइट नाउ जो सीरीज चल रही है आपको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। देखो मैं 12th के लिए भी सारी की सारी चीजें लेके आ रहा हूँ, आपका सिलेबस मैंने 12th से पहले कंप्लीट कराया, क्यों कराया इसीलिए ना, डोंट वरी। मैं जो भी चीजें लेके आ रहा हूँ, जो सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसको सिक्वेंस में कंटिन्यू करो ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? Isn't it? ये चीजें भी तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ना, तो
आगे जब वो चीज कंटिन्यू होगी तो वहां पे उस चीज को भी कंटिन्यू कर लेना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। चलो, हेलो करण, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। ग्रेट। चलो बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम टैप्लो वॉज अ बिट बिटर अबाउट हिज टीचर बट स्टिल ही एडमायर्ड हिम। ठीक है, ये शॉर्टली हो सकता है हमारा। बिल्कुल सही कहा फन विद सोशल स्टडीज। जिस तरीके से तुम हमारी छत्र छाया में चलोगे, उस तरीके से हम भी तुम्हारे को लाडला बना के रखेंगे, तुम्हारी सारी की सारी नीड्स को एज इंग्लिश को लेके पूरा करेंगे, है ना। बिल्कुल, चैप्टर 12th के बच्चों पूरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आप मेरी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है ना 12th क्लास की, उसको एक बार चेक करो, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, इजंट इट। Hi Ritu, how are you? समझ में आ गया बच्चों? Draw a character sketch of Taplow. ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों इसके अंदर, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, Who was Frank and how does he encourage Taplow against Mr. Crocker Harris? मतलब जो Frank था वो कौन था और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अगेंस्ट टैप्लो को किस तरीके से इंस्टिगेट करता है, किस तरीके से मनाता है। हु वॉज फ्रैंक एंड हाउ डज ही एनकरेज टैप्लो अगेंस्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस? तो जल्दी इसका तो कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। देखो कुशांग, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे से पूछ रहे हो कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप अगर एलिंग प्लैनेट पढ़ लेते हो हॉर्नबिल से, ठीक है, और स्नैपशॉट से आप पढ़ लेते हो बहुत, ठीक है, तो ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, दैट विल बी मोर बेटर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो, क्योंकि इसमें से ज्यादातर आते हैं। मिस्टर फ्रैंक वाज अ यंग टीचर हु एंजॉयड मेकिंग फन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड, वी हैव गॉट एन आंसर फ्रॉम हर्ष एज वेल। नाइस नाइस नाइस, आंसर देते जाओ बच्चों, आंसर देते जाओ।
चिंता मत करो, तुम सबके आंसर लेंगे हम। देखो भाई, देखो बच्चों, यहां पे सृष्टि के आंसर की अगर मैं बात करूं तो सृष्टि ने लिखा है कि मिस्टर फ्रैंक वाज अ यंगर टीचर। बेटा यंग टीचर आएगा, यंगर नहीं आएगा। हु एंजॉयड मेकिंग फन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ही वाज अ मैन ऑफ पुअर मोरल्स एज ही हैड नो क्वालम्स इन हैविंग एन इनसिंसियर इंटीमेट रिलेशनशिप विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाइफ। और जब आप हैरिस को यहाँ रिलेट करोगे ना वाइफ से, तो यहाँ पे हैरिस में एस लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफियस के बाद एस नहीं आएगा, बस एपोस्ट्रोफियस लगाना पड़ेगा आपको। समझ आई बात? चलो आगे देखते हैं। आपने लिखा है हर्ष, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना वो बहुत ज्यादा हैं। इट हैज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स ग्रामर में, स्ट्रक्चर्स में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हर्ष आपको। आपको बेसिक से सारी कई सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी। समझ आई बात? चल अब मैं आप लोगों को बच्चों एक बार दिखा देता हूं, ठीक है? ये वाला जो है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा माजरा क्या है, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है? चलो बच्चों कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। फ्रॉम स्टार्टिंग वी सी फ्रैंक इंस्टिगेटिंग चैप्टर लो अगेंस्ट हिज टीचर मैनी टाइम्स ही स्पीक्स बैड अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड ही ऑल्सो एनकरेजेस टैपलो टू इमिटेट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मतलब वो एनकरेज भी करता है कि तुम क्या करो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री करो। इस चीज के लिए वो इंस्टिगेट भी करता है ना? समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हर्ष। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ मुझे। ग्रेट 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 ग्रेट।
ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे चार क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इन चार क्वेश्चंस के अलावा अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो वो ये एक आ सकता है कि हु वाज मिली क्रॉकर हैरिस। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारा जो आ सकता है एक बार को, दैट इज हु वाज मिली क्रॉकर हैरिस। तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल देता हूँ, दैट वॉज हु वॉज मिली क्रॉकर हैरिस, की मिली क्रॉकर हैरिस जो थी वो कौन थी। आप इसका आंसर बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सागर, बेटा निशा टैपलो खुद करता है उनकी मिमिक्री, लेकिन जब वो मिमिक्री कर लेता है तो उसके बाद टैपलो को फ्रैंक एक और बार मिमिक्री करने के लिए बोलता है, तो वो एनकरेज करना हुआ ना। समझ आई बात? क्लियर? तो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज हु वॉज मिली क्रॉकर हैरिस। हु वॉज मिली क्रॉकर हैरिस? ग्रेट निशा, वेरी गुड। तो मिली क्रॉकर हैरिस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? बताओ बताओ बताओ, कौन बताएगा? मिली क्रॉकर हैरिस, मिली क्रॉकर हैरिस, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही। मिली क्रॉकर हैरिस वॉज द यंग वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कौन थी वो? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की यंग वाइफ थी। शी वॉज अ थिन वुमेन, शी वॉज अ थिन वुमेन, थिन वुमेन थी, थोड़ी पतली थी। इन हर लेट थर्टीज, लेट थर्टीज में थी, मतलब 25 से 30 के बीच में उसकी एज होगी। And was more smartly dressed and was more smartly dressed than the other school masters wives। तो ये आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, वेरी गुड, समझ में आ गई बच्चों बात। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्राउनिंग वर्जन। चलो, वेरी गुड, नाइस बच्चों। लास्ट में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
बात ये है कि अनअकैडमी प्रोडजी का टेस्ट है बच्चों, जो हमारा आ रहा है 23 तारीख को। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अनअकैडमी प्रोडजी के उस टेस्ट में एनरोल नहीं करा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हर्ष, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी प्रोडजी का टेस्ट आप लोगों का आ रहा है सामने, और 23 तारीख को बच्चों आप लोगों का पहला टेस्ट होने वाला है, 23rd। Jan को आपका पहला टेस्ट होने वाला है। अगर कोई जेई एस्पिरेंट है तो उसका टेस्ट मॉर्निंग में 10 बजे होगा, अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो उसका टेस्ट दोपहर को 2 बजे होगा। तो आप जिस कैटेगरी में भी अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं बच्चों, वो जितने जल्दी कर सकते हैं कर लें। नहीं बेटा, सीबीएसई बोर्ड को टीच करता हूं मैं मंगलम, ठीक है। तो अनअकैडमी के अंदर आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं। जनवरी 23 को 11th, जेई एस्पिरेंट्स 10 बजे, नीट एस्पिरेंट 2 बजे। और क्या क्या प्राइजेस हैं आपको पता है, मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, अमेजन एको डॉट, अमेजन वाउचर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मिलेंगी। तो मेक श्योर आप लोग जितना जल्दी हो सकता है बच्चों एनरोल कर लो, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एनरोल कर लो। और कोई भी बच्चा बच्चों ऐसा है जो 11th से 12th में जाने वाला है और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ करना चाहता है, अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ कौन बच्चों अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, देयर इज समवन हु वांट्स टू डू दैट, आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। अगर इस टाइम पे आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपना, तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। 15 महीने के अंदर बच्चों आप अपनी 11th जो बची हुई है और 12th दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपको 10% ऑफ मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे, जो कि होगा SUTH10। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो आइकॉनिक में आपको 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। यस सर निशा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप ये कोड जरूर करें, ताकि आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाए, दैट इज SUTH10, ठीक है। और बच्चों बिलीव मी, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से अन अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ होगी। आप लोगों को दुनिया भर के जो प्लस बैचेस हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा, और आप जिस टीचर से जाओ अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई बच्चों बात। और अगर आप इस टेस्ट को, अगर आप इस टेस्ट को बच्चों करना चाहते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप इस टेस्ट को, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अगर आप इस टेस्ट को करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अनअकैडमी के कॉम्बैट टेस्ट में बच्चों एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी का जो कॉम्बैट टेस्ट है वो हर एक संडे को 1 बजे होता है, तो मेक श्योर आप इसके लिए एनरोल कर लो। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को हमारी स्लाइड्स में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट दिखाई देता है, तो बच्चों आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट दिखाई देता है दैट इज नॉट गुड, इनअप्रोप्रिएट, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो, जिससे आपको मिलती है बच्चों बग्स बाउंटी, ठीक है, जिससे आप अपने कोर्स में भी रिडीम करा सकते हो, कुछ अमाउंट को लेस करा सकते हो। समझ आ गई बात, चलो वेरी गुड। और रही बात मेरे टाइमिंग्स की, तो वो मैंने आप लोगों को बता दी है, सामने लिख दी है कि मेरे टाइमिंग्स क्या क्या है। ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे 11 बजे YouTube पे अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th, और मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे को होगा बच्चों स्पेशल क्लास। तो इन क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, चलो। और बच्चों अपने अनअकैडमी का, अगर मैं अनअकैडमी की बात करता हूँ, तो अनअकैडमी का जो शाइन बैच है 12th का मेरा चल रहा है ऑलरेडी, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, जो प्लस बैच है। और 11th का बैच भी बच्चों मेरा अगले महीने तक आएगा एक और प्लस, तो उसमें भी अगर आप चाहो तो अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और कोड लगाना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलना, दैट इज SUTH10। समझ आ गई बात। तो अनअकैडमी के प्री स्पेशल क्लास फीचर बच्चों मिलते हैं आपको, सैटरडे वाली क्लास हमारी एक स्पेशल क्लास होगी, उसको एनरोल जरूर करना। क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, रियल टाइम इंट्रैक्शन, पॉल क्विजेस, पॉल लीडर बोर्ड, सारी के सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है। एट द एंड बच्चों लास्ट में मैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, आप हमारी सारी की सारी जो क्लासेस देखते हैं उससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें, अपना जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमारे को जरूर दें,
ताकि हम मोटिवेट होके आप लोगों के लिए इस तरीके की क्लासेस लेके आते रहे। ठीक है, कल की मेरी जो क्लास होने वाली है बच्चों वो वन मार्कर के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसमें मैं ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर के वन मार्कर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछूंगा और आप अपने चार्ट स्क्रीन पे उनके आंसर मुझे दे सकते हो। समझ आ गई बात? चलो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो और एट द एंड आई वुड लव टू से लेट्स क्रैक इट बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।